ये देखिए इनका बेचारों का ना खाना वगैरह भी थोड़ा सा खराब हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो रात पूरी ना बारिश यहाँ पर चल रही थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ चल रही थी और काफ़ी लोगों का यहाँ पर तो नुकसान भी हो चुका है। तो है ना एक एक करके आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले तो है ना हम लोगों का नुकसान है वो आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखे रात को ना इतनी हवा भी नहीं थी, उसके साथ ही है ना हमारी नीम जो है ना टूट के यहाँ पर नीचे गिर चुकी है और बाकी की जो है ना काफ़ी हम लोगों ने बाहर फेंक दी है। और ये देखे ये पत्ते वगैरह गिरे पड़े, ये सारी की सारी यहाँ से टूट कर गिर चुकी। और रात से बारिश इतना चल रहा था ना हद से भी ज्यादा, ठीक है, तो काफी लोगों का यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा नुकसान भी हो चुका है। और रात से हमारे यहाँ पर ना लाइट नहीं है हमारे घर। फ्रेंड ये देखे बच्चे है ना सुबह सुबह शौक भाई के बच्चे है, ये देखो ये चला रहे हैं किट किट, सडनली अभी अभी आई है। और रात से काफी घरों में ना बिजली नहीं थी तो हमारे खंभे में हो सकता है शॉर्ट सर्किट भी हो। बढ़िया बढ़िया, आप सुनाए कैसे है? सुबह सुबह ही अंगूर आड़ू, आपकी तो मौज लगी हुई है भाई। तो ये है ना नवमी भाई है, ये हमारे पड़ोसी हैं और ये सामने वाली इनकी कंटीन। फ्रेंड ये देखें ये है ना रामदास का घर है, क्योंकि इस तरीके से वो इनका बाथरूम रहा। और ये थोड़े से जानवर भी इन लोगों ने रखे हैं और ये देखें इनके बच्चे वगैरह। सुबह सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह इनका ना रात को नुकसान हो गया, इतना बारिश हुआ ना। तो ये देखें ये बच्चे वगैरह जो ना इनके अपने बर्तन वगैरह धो रहे हैं। और ये रामदास का घर इधर बनाई हुई थी ना दीवार सी, वो गिर चुकी है इनकी, ठीक है, वही इनका सहारा था, हवा वगैरह और छांव का भी कुछ सहारा था। तो रामदास ये कब गिरा ये वाला? ये कल बारिश में गिरा है साहब, बहुत भींज गए हैं, हमारे बैठने की कोई जगह नहीं है, हम इधर सारी रात भींजते रहे हैं। तो फ्रेंड ये है ना ये जगह भी इन लोगों की नहीं है, ठीक है, ये लोग आरजी तौर कहीं पर बैठते हैं, अगर वो लोग यहाँ इनको उठा दें तो ये किसी और जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनका जो है ना गुजर बसर पूरी जिंदगी चलता रहता है। तो रामदास अपना घर तो दिखाओ हम लोगों को कैसा है। इस तरह से ये देखो ऊपर कुछ दरख्त हैं और ये इनका जो है ना छत बैठते हैं, छांव नहीं है, गर्मी के अंदर जो है ना यही चीजें होती है, छाएं हम इधर बैठते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड ये इन लोगों के जो है ना छाए के लिए बनाया हुआ है, सर्दी गर्मी इसी में काटते हैं आप लोग, ठीक है, ये पर्दे वगैरह। तो आपका जो मेन कमरा कौन से वाला है? हमारा मेन कमरा, चलो दिखाओ। तो आपके बच्चे वैसे है कितने? पांच बच्चे हैं। पांच बच्चे हैं, तो गुजर बसर कैसे होता है आपका? ढोल शोल बजाते हैं, कोई गदा शदा कार आते हैं, ठीक है, यानी कि ढोल वगैरह से जो भी इनकम आती है वो अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं ये इनके पांच बच्चे हैं, स्कूल पढ़ने, एक आपके बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उनको समझ में आएगा ना। तो चलो ठीक है, ये रहा इनका चूल्हा और वो देखे वो इनके बर्तन भी पड़े हुए हैं और रामदास के, और ये देखे ठीक है ये इनका सामान है जो भी स्टोरेज के लिए रखा हुआ है, और ये देखो ढोल। और रामदास अगर कुछ थोड़ा सा गुनगुना के सुनाए तो हमें मजा आ जाएगा। अभी गुनगुनाने का टाइम भी नहीं है, ठीक है, आप बजाएंगे, आप कुछ सुना देंगे तो अच्छा लगेगा। हम लोग किधर है? उधर लगा हुआ है, बता, बता। सामने देखो। तो फ्रेंड देख ले इतनी जो ना जो भी है इनके हालात है, लेकिन भगवान को नहीं भूलते। ये देखे कितने अच्छे से इन लोगों ने जो ना तस्वीर वगैरह लगा के रखी है। और सुबह सुबह का सुबह सुबह इनको ना अगरबत्ती लगाई जाती है, माता रानी का फोटो है, ठीक है। कोई भी अगर रामदास भाई की जो ना मदद करना चाहता है तो मैं ना आप लोगों को एक लिंक दूंगा, उस पे अगर जो ना बैलेंस वगैरह सेंड कर सकता है तो हम जो ना जरूर, अगर आप लोगों ने भेजे तो हम रामदास को जरूर ना आपके सामने वीडियो बना के इनको देंगे, ठीक है, ठीक है। कोई भी इनकी जो ना ये देख ले हालात देख ले, इतने सारे बच्चे हैं और यही इनका जो ना जगह वगैरह भी इनके पास नहीं है। अगर कोई बंदा पैसे भेजेगा तो हम वीडियो बनाएंगे दोबारा से और रामदास को इसको आपकी अमानत जो है ना इनके तक जरूर पहुंचाएंगे। अब बना इन लोगों की यही रोजी रोटी होती है, ठीक है, ये पूरी जिंदगी ये ढोली बजाते हैं, इनकी रोजी रोटी भी यही है, सारा कुछ इनका जो बिजनेस यही है, ठीक है। तो ये देख लें इनके जिंदगी है ना बहुत थोड़ी मुश्किल से गुजरती है, क्योंकि कभी बारिशों में रोजी लगती है कभी नहीं लगती, ऐसे ही है ना भाई। अब बारिशें हुई है तो अब कोई इनकी इतनी रोजी नहीं होती, सीजन वाइज होती है। सही है, रामदास भाई कुछ गा के सुनाएंगे, तो सुनाए रामदास भाई। ओम जय जगदीश हरे, सम जय जगदीश हरे, जनों के संकट दास, जनों के संकट निवारो भरदास, ओम जय जगदीश, ओ तावे फल पावे, सत्य में से मन का सुन, सत्य में से मन
या मोहम्मद, अरे दो झोली मेरी या मोहम्मद, जय श्री राम। तो फ्रेंड ये था रामदास का घर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, हम भी दुआ करेंगे भगवान इनकी जो है ना थोड़ा सा इनका जो है ना जो भी सेटअप है अच्छे से चले। तो फ्रेंड इनके हाथ नहीं पहुंच रहे फिर भी बजाने की कोशिश कर रहे हैं, बजा बजा। तो फ्रेंड ये देखें, ये है ना इनका बारिश आया है ना इसकी वजह से काफी चीजें जो है ना इनकी भीग चुकी है। ये देखे कपड़े वगैरह धुले हुए थे सारे के सारे जो है ना भीग चुके हैं इन लोगों ने यहाँ पे सुखोए। ये देखिए इनका विचारों का ना खाना वगैरह भी थोड़ा सा खराब हो चुका है। ठीक है, तो काफी भाई है ना वहाँ पर हंस भी रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों का देख ले, ये जो है ना बारिश की वजह से इतना दिक्कत आता है। हमें बड़े लोगों को तो कुछ दिक्कत नहीं आता क्योंकि उनका जो कुछ भी भीगता वगैरह नहीं है। तो ये देखो गरीबों को कितना जो है ना झेलना पड़ता है। ये देखे ये कपड़े वगैरह सारा कुछ भीगा है। और ये देखो वो जो भाई है ना वो वाले भाई उनका फोटो भी है। ये देखो कितने हैंडसम से लग रहे हैं, पता नहीं इनके साथ कौन खड़ा हुआ है। तो ये देखो फोटो भी यहाँ पर इनका गीला हो चुका है। ठीक है, और बाकी के ये देखे कपड़े वगैरह सारी नहर को नहीं बता। तो फ्रेंड्स इनका ना इस भाई का ना जो फोटो मैंने आपको दिखाया है ना, इसका कुछ बाइक पे एक्सीडेंट हो चुका था, उसकी वजह से जो ना तीन चार जगह से इनकी जो ना टांग जो क्रैक हो चुकी है। और उसके बाद जहरी सी बात है इतने बच्चे हैं और अपना जो है ना पालन पोषण बहुत ही इनका मुश्किल से चलता है। हम लोग कोशिश करेंगे इनकी मदद करने की। ठीक है, ये इनका घर है सामने वाला।